18 पुराण बन लिए, उनमें ब्रह्म की बातें हमने जान ली, भगवान की बातें, सारे वेद बन लिए, हमने जान ली वेदों की बातें, लेकिन प्रेत की बात कौन जानेगा जिससे सारी दुनिया की बीमारी होती है। जो क्या कहते हैं, जीसस क्राइस्ट यीशु मसीह, कब से शैतान निकाल रहे देखो, और वो शैतानों को निकालते निकालते आज भी शैतान ही निकाल रहे हैं। वो इन चीजों को मान रहे हैं प्रेत होते हैं, लेकिन हमें ये कह दिया कि प्रेत होते नहीं। पहली बात तो प्रेत शब्द को लिया ही गलत है, हम प्रेत की जगह भूत शब्द इस्तेमाल करते हैं। और मैं उन भूतों को कहना चाहता हूँ कि वे भूत भी नहीं है, वे तो गधा योनी में है। वे बड़े बड़े महात्मा भी जो प्रेत को भूत कहते हैं, भूत तो हम सारे कौन है। ये गीता हर एक अध्याय में भगवान ने हमारे सबके लिए भूत शब्द इस्तेमाल किया है। ये गीता बताओ मैं कितने उदाहरण दूं अपने पुराणों से ग्रंथों से, ये गीता रही भगवान हमें ही भूत कह रहे हैं। सब भूतों के हृदय में मैं रहता हूँ अर्जुन, भूत की पूजा करोगे भूत ही बनोगे। मतलब मनु भैया की पूजा नहीं करनी है, देवताओं को मानना है, इष्ट को मानना है। आए ना समझ में, मुझे मानोगे तो मेरे साथ ही रहोगे, मेरे से चिपके रहोगे। तभी तो कहते हैं अगले जन्म में मैं भैंस बनूंगा तुम छीचा। आए ना, मुझे चेले बनाने के लिए मैं प्रकट नहीं हुआ हूँ यहाँ, चेले नहीं बनाने हैं मैंने, मैंने गुरु बनाने हैं। तुम जान जाओ एक प्रेत है, तुम जान जाओ एक प्रेत है, वो तुम्हारे घर को खाने वाला है। सबसे पहले वो इतनी बीमारियां देता है, आप डॉक्टर के जाते जाते छिप जाते हो, डॉक्टर से इलाज ही नहीं होता, जिंदगी गुजार दे 1500 साल हो जाए अगर डॉक्टर इलाज कर दे, आदमी 15 बार जन्म ले ले तब भी इलाज नहीं कर सकता तुम्हारा, जो प्रेत बाधा के मरीज है। और तुम्हें पता है इस बात का, मनु भैया ठीक कह रहे हैं, क्यों, क्योंकि तुम जानते हो तुम परेशान हो, परेशानी तो जान सकते हैं ना। फिर अरे डॉक्टर को प्रेत थोड़े ना है, वो तो चाहेगा ही नहीं कि तुम कहीं दिखाओ, वो तो ये कहेगा ये ढोंग है ढकोसला है। और ढोंग ढकोसला हम उसको तो मान सकते हैं कि आप कहीं गए, अंडा दे दिया, मुर्गा दे दिया, बकरा दे दिया, ये जीव बलि। अरे ये जीव बलि नहीं है, जीव बलि तो ये है कि हमने अपनी आत्मा का समर्पण कर दिया, हम हार गए इस प्रकृति से, प्रकृति के तत्वों से। अरे भाई मन शब्द ये दोनों जो है ईश्वर से निकले हैं, मन और शब्द, शब्द जो है आधारभूत शक्ति है, प्रकृति का तत्व है, और मन जो है वो पुरुषाकार है, पुरुष का तत्व है, यानी कि भगवान का तत्व है। तो मन में जितने विचार आते हैं वो प्रकृति से जुड़ के आते हैं।